गाइस, गुड मॉर्निंग। आप जा रहे हो अभी ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ ठीक है। ड्राई लग रहे हैं तो आप सीरम लगा लो। ये तो ऑयल है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे घर में क्या है कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब पूरे घर के कोई भी मेंबर हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब मेरी माई की साइड से क्या है कि सब लोग भर भर के ऑयल लगाते हैं, मतलब वीक में उनको एक बार हेयर ऑयलिंग करनी, क्योंकि उससे ना बाल मजबूत भी होते हैं, अच्छा भी रहता है। यहाँ कोई करता नहीं, मैं भी करना छोड़ दिया, बस यही बस करते। ये और पापा करते हैं ना, आपने ही बंद कर दिया था अभी आज इन्होंने फिर से लगा लिया। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ तो जरूरी होता है, मैं सोच रही हूँ कि करूंगी। और तो मेरे हेयर थोड़ा ठीक है, कल या फिर आज रात में हेयर ऑयलिंग करूंगी बढ़िया मस्त वाली, क्योंकि जब से मैंने कलर वगैरह करवाया ना तब से मैंने हेयर ऑयलिंग करी नहीं है। और ये जरूरी है कि आप कलर वगैरह कराओ तो अपने बालों को मॉइस्चर दो यार। ऑयलिंग कितने टाइम से चली आ रही है अपने बालों में, बच्चों के सब चीज़ में लगाना चाहिए। तो यथार्थ की केयर नहीं हो पा रही बिल्कुल भी, तो यथार्थ की मैं हेयर ऑयलिंग करूंगी आज, उसको चंपू बना दूंगी। हमारा मंदिर दीपक हमारा जल गया है, बनाना आज भोग में लगाया हुआ है। मम्मी ने कहा कि मैं अपने ना बाल बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा। और कल ना मम्मी ने बनाया हुआ था लौकी का हलवा, सो भगवान जी को भोग लगा दिया था। इनको ही पसंद है, मुझे ही पसंद है। ज्यादातर हमारे घर में ज्यादा कोई मीठा खाता नहीं है, बट मैं, माँ और ये, हम तीनों लोग खा लेते हैं मीठा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके अंदर ना कपड़े चेंज नहीं करते रात में, इसको ना शर्ट पहनाया था। शर्ट में कितना क्यूट लगता है मेरा बच्चा, इतना क्यूट भी लगता है मेरा बेटा, है ना। अरे बाबा, चलो जल्दी से दादी को ना यथार्थ के कपड़े दे देते हैं और दादी कर देंगी यथार्थ की मसाज। मसाज कर देगी दादी, ये जितना मेरा गोल गप्पा। कार लेके जाओ, घुमाओ दो उठा के। देखो ये देखो, बनाना लेके आ गया, भगवान जी के बनाना उठा के। हाँ ये भगवान जी को भोग लगाया था ना आपको, मैं दूसरा वाला देती हूँ ना। भगवान जी भी कहते होंगे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। ये सोफे में ना पिलो लगा देंगे, चद्दर बिछा देंगे, जैसे कि सोफा भी गंदा नहीं होता है। अच्छा अभी मम्मी क्या है कि यथार्थ की मसाज कर रही है, तो मैं वहीं बैठी थी, मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं कुछ खा लेती हूँ। मम्मी कहते भूख नहीं लगती है, इतना लेट हो गया, अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो मेरा यही रहता है कि मैं इसे पूजा कर लूँ नहा के और फिर मैं कुछ खाऊं। पहले भी खा लेती हूँ कई बार ही, पर नहा लिया तो मैं पूजा करके ही मतलब करूँगी। फिर पाठ करो तो उस पर टाइम लगता है, सारी चीज़ें रहती है। और पता है मेरे पास में ना ऐसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मतलब वो एकदम खेलता रहता है, परेशान नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि वो अपने आप में मस्त रहता है, खेलता रहता है अपने टॉयज़ के साथ भी, तो टी वी देखता रहता है, नहीं तो इधर से उधर घूमता रहेगा। बट वो ना एक मिनट के लिए भी ना सोफे में बैठेगा नहीं, ना ही वो बेड पर आके लेटेगा। जब उसको फीड करना होता है ना, बस वही टाइम उसका होता है, या फिर रात में जब वो सोता है तब वो चैन के लिए सोता है। अदरवाइज वो सुबह से लेकर रात तक इतनी ढेर सारी मस्ती करता है कि मैं क्या बताऊँ। और जितना बड़ा होता जा रहा है ना, उसकी इतनी सारी मस्तियाँ चालू होती जा रही हैं। तो एक घर में जो माहौल होता है बच्चे के आने के बाद से भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये रियलिटी है जो कि मैंने अपने घर में फेस करी। पता है पहले क्या होता था कि मतलब सबको अपने अपने फ़ोन से मतलब होता था, हम लोग को कहीं से बैठना है तो बैठ जाते थे, पर ज़्यादा सब लोग ना अपने अपने फ़ोन यूज़ करते थे। अब यथार्थ किसी को अपना फ़ोन ही यूज़ करने देता था, सबको जाके उठाएगा कि मेरे साथ में खेलो ऐसे करके, तो फिर अच्छा भी लगता उसके साथ में। आज लंच में आलू की सब्ज़ी, भिंडी और लच्छा पराठा प्लस दाल, ये रखा है लौकी का हलवा, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। शाम का टाइम और घर के आई हुई है भाभी, तो मैं बना रही हूँ चाय। तो हम बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय। और चाय बताया आपको, हमारे यहाँ पे सबको बहुत ज्यादा पसंद है। जब तक चाय में अदरक ना डालो जब तक चाय का टेस्ट नहीं आता है। भले आप इलायची डालो, लौंग डालो, काली मिर्ची डालो, पर अदरक नहीं है ना उसका टेस्ट नहीं आता चाय। और अदरक में ना ज्यादा डालो तो कड़क चाय अच्छी लगती है। ऐसे पीती नहीं पर बनाने हैं, बोल रही हूँ। आप डाल देते हैं अदरक, पीछे इनकी आवाज़ प्यारी बैकग्राउंड में, शायद ये भी आ गए हैं। तो भैया भाभी साहब बाहर ही बैठे हुए हैं, ये सुबह चले गए थे अपना जो है एकदम फुल मतलब मील लेके चले गए थे। तो मेरे को ये रहता है कि सुबह के टाइम पर भी फुल मील लेकर चले जाओ, तो दिन भर के लिए मैं सिर्फ फ्री हो जाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके जाना, फिर मैं 10 बार कॉल करती हूँ, आ जाओ अपना लंच कर जाओ, तो फिर कॉल नहीं करूँगा। तो बाहर कुछ ना कुछ खा लेंगे, ऐसा खाएंगे नहीं, सीधे शाम को फिर डिनर होगा। पानी में ना सबको नमकीन बहुत ज्यादा पसंद है, हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं ना
तभी सारे नमकीन के पैकेट हम लोग वहाँ से लेके आए थे। और मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ एक हफ्ते चलेगा, देन उसके बाद में नूडल्स और फ्रॉग आएगा नमकीन का, सबको इतना ज़्यादा पसंद है क्या बताएं। चाय भी हमारी बन गई है और मैं एकदम इसको ना काट काट के बनाती हूँ चाय, एकदम कड़क वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक ही नहीं पर शौक है मेरे को इसे बनाने का। तो चलो अभी हम चाय छान लेते हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी से बात कर रही हैं। मेरी मदर लॉ की चाय में थोड़ी सी शुगर और ऐड हो गई क्योंकि वो एकदम मीठी चाय पीती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हमारी रेडी है चाय एंड नमकीन। चलो बाहर देके आते हैं उसको। उंगली पकड़ के नीचे ले आएगा जोड़ के, कटोरी लेके गिरा देगा। कल इसका हेयर कट कराने के लिए इतना रोया भाभी क्या बताएं, बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से हेयर कट करवाया इसने। अब नमकीन भी खानी है, सब करना है, बस चाय बची है, वो चाय तुम और पी लो। सुबह के पीछे पड़ गया था अभी। हाँ। चाय दे दो। चाय इस समय आप खुश बुझाने की सही में हमने पी ली है। खाली कब है बाबा? खाली है चाय। चाय ऐसी करता है। तो गाइस अभी हो गया है शाम का टाइम और सडन मेरे को पता नहीं था, मतलब ऐसा कि आज ही आ गए। वो ऐसे दीदी बता रही थी कि एक दो दिन से उनका प्रोग्राम बन रहा था कि शिवी आ जाना, बट क्या है कि मैं भी थोड़ा बिजी रही और आज दिन में वो भी बिजी रही। फिर उनका अभी कॉल आया थोड़ी देर पहले कि आ जाओ, लखन भैया वगैरह आ गए, तो क्या उनको हम लोग कॉलेज घुमा लेते हैं। तो क्या है, पहले मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था ब्लॉग बनाने का, बट मैंने कहा कि चलो अभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो ब्लॉग करते हैं हम लोग, और पहुँचने वाले हैं तो पहुँच जाते हैं। बाकी रात के टाइम पर ज़्यादा कुछ तो नहीं ओपन है, बट ये कि फोर्ट में लाइट एंड साउंड है, कैफ़े वगैरह है ऐसे, और जो कि कॉलेज में ज़्यादा थोड़ा फेमस है कैफ़े वगैरह और फोर्ट, तो वो क्या है कि डे टाइम भी घूमना सही रहता है। बट ठीक है, जितना होता है देखते हैं। अभी दीदी सबसे पीछे रह रही हैं। हेलो अरे आपको तो मैंने बोला था होने के लिए सब झूठ है, अकेली ये सच्ची है। तो अभी ना हम लोग फोर्ट में जा रहे हैं, पर सिर्फ तुमको याद है हम लोग यहाँ पे आए हुए थे उधर पे रिया जी के साथ में आए थे, एकदम काफी ऊंचाई में जाएंगे अभी। ऐसे रहा है वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल किला महल जैसा। क्यों भैया नहीं लग रहा? भैया एक भूत नहीं आ जाए, देख लेना कितना हॉरर है, देखते चलो। ये बिल्कुल काफी तो ऊंचाई में आ गए ना, वो कितना सुंदर लग रहा है ना, ए सुंदर सा व्यू। पेड़ बोल रहे हैं, मम्मी कह रही कल कल जैसे डरा है आज जैसे डरा रहे तुम लोग। इतना प्यारा लग रहा है गाइस, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लाइट एंड साउंड देखने के लिए। ये दोनों लोग आ चुके हैं पहले, दीदी के साथ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये लगी वीडियो बनाने में। देखो इतना प्यारा लग रहा है, और ये देखो व्यू भाई साहब कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। Make preparations for our 16 step onwards. Embrace death. Dressed up like newly wed. ये देखो मेरी भी घर पे जा रहा है, ये देखो जा रहा है, वो देखो गया, ये मामू मम्मी बैठी है। शादी हो रही है, शादी ना हाउस योर एक्सपीरियंस, सिमरन बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा? जेन्युइन की बात है, मैं कि मच्छर काट रहे थे भिंडी के दिन, नहीं लिखा तो हम बता रहे हैं। बहुत मच्छर थे। चंदन दीदी हो ना, अपन ले सकते हैं ना।
तो भैया वगैरह अभी वहाँ पे हैं, सब रेडी आ जाएं, फिर अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं घूमने के लिए। बट रात के टाइम पे ना सब बंद हो जाता है, पैलेस वगैरह ना डे टाइम पे घूम लो ग्वालियर में। तो अभी क्या फोर्ट में लाइट एंड साउंड है, तो वही हम लोग घूमने आए थे। अब देखो नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं। फ्रॉम हियर ओनली। तो गाइस अभी हम लोग ना जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट रामनगर ना। ये वीडियो कॉल बीटू क्या करिए बा बैठे थी। बस गाइस आरू का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। देखो वो तो कहते मंथ में 4-5 बार बनता है। और आरू ही कहाँ है। तो गाइस हम लोग बहुत किसी तरीके से आज को बर्थडे सेलिब्रेट करा, और सच बता रही हूँ लखनऊ में से मिलकर फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता भैया बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और साथ ही साथ सपना दीदी के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद मैं से बाहर निकलना हुआ तो अच्छा भी लग रहा था, और आरू की वजह से सेलिब्रेशन भी हो गया। खैर अभी हम लोग चलते हैं घर वापस, क्योंकि लेट हो गया है और बाहर होती थी बारिश, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे बारिश का, थोड़ा देर वेट कर रहे थे कि अम्ब्रेला वगैरह आ जाए, क्योंकि बच्चे भी थे, कैमरा वगैरह था, सारी चीज़ें, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। फिर हमने कहा कि मैं दीदी से कहा कि दीदी चलो एक पिक्चर ले लेते, साथ में मेमोरी हो जाएगी, तो बस वहाँ पर हम लोग पिक्चर क्लिक करने लग गए हैं। और उसके बाद में भैया को होटल ड्रॉप करेंगे, देन फिर हम लोग भी निकल जाएंगे सपना जी को ड्रॉप करते हुए। तो बस ये था हमारा आज का छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। और चलिए अभी हम फिलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। गाइस बारिश हो रही है, मम्मी शॉर्टकट ढूंढ रही हैं, बारिश हो रही है, मम्मी आगे आगे निकल गई। आप क्या अम्ब्रेला का वेट कर रहे बहुत देर से, हमारे आगे वाली लड़की लेके चलेगी। फूल पार्टी करते हैं यार, कलर की हवा, फूल पार्टी है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, मुझे थोड़ा दिखना भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बस यही तो मजे हैं यार। हमारी गाड़ी बो रही, लखन भैया वगैरह उधर है, बारिश इतनी हो रही है भाई साहब, छमछमा छमछम। तो अभी हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे आरू को केक, इस वाले होटल से निकल गए हैं, फिर हम लोगों ने दूसरे वाले होटल में लखनऊ को ड्रॉप कर, और फाइनली अब हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं। मम्मी का फोन आया, मम्मी कह रही है कितना टाइम लगेगा, सपना जी को छोड़ा है, सिमरन कह रही 2-3 घंटे लग जाएंगे, मम्मी मम्मी कहेंगी अगली बार से नहीं जा रही, इतना लेट कर दिया है। तो गाइस हमने सपना जी को छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं घर, यथार्थ से बात करिए, चलो घर पहुंचे बात करते हैं। मेरा बच्चा आगे लेता मम्मा नहीं दी बाबू के पास में। अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और यथार्थ घर पे थे और मेरे को कॉल करके बोले मम्मी मम्मी मम्मा बेबी ऐसे करके मेरे को बुलाता है, तो मेरे को बुलाता है, मेरे को लगा था मैं कब उड़ के पहुँच जाऊँ, बट ये कि दीदी को छोड़ दिया था हमने, भैया को रेडिसन छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर हम आ गए घर पे। मेरा बच्चा यथार्थ यथार्थ इधर आना, आ जाओ मेरा बेटा, आप क्या लिए बेटा, ये देखो ये मम्मा का ये लिया हुआ है, ये ब्राउ सेट करने वाला है, मम्मा को अपने मिशमिश करा था, मिशमिश मम्मा को मिश करा, और पता है लास्ट में आरोही का केक छूट गया मेरी गाड़ी में, फिर क्या किया
दोबारा से देने के लिए गया। हाँ हाँ, और उसने रोना चालू कर दिया, मेरे को केक चाहिए केक चाहिए, है ना बाबू, आप भी ऐसे कर लो कि बर्थडे बर्थडे होके। सच में बच्चे ना थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना फिर बहुत जिद करते हैं कि मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए। यथार्थ कम थोड़े ना है, यथार्थ तो घर पे छोड़ के गए थे क्योंकि पता है ना परेशान हो जाते हैं, इसको देखते रहते इधर उधर भागता तो फिर बैठ नहीं पाते, है ना मेरा बच्चा। तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, ये ना अभी जस्ट आए हैं थोड़ी देर के पहले, शाम को ये आ गए थे, फिर जब मैं यहाँ से गई हूँ ना तब ये भी निकल गए थे, अभी जस्ट हमारे साथ में ये आते जा रहे हैं। मैंने कहा आप भी इतना लेट आए हो मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आप भी घर पर नहीं थी, फिर मेरी भी मीटिंग थी तो इसलिए मैं भी चला गया। और अभी मैं आपको टाइम बता दूँ 12 o'clock, करेक्ट 12:09 हो रहा है, ठीक है ना। सो मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, चेंज करके मिलते हैं आपसे।